खरगोन शहर के लगे डाबरिया फालिया के ग्रामीणों ने भी मुख्य सड़क निर्माण की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे बिहारी जाधव, राजवीर चावला, ओंकार तापीराम सीताराम ने बताया कि उक्त क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, यहां सभी लोग मजदूर पेशा है। करीब 500 घरों की इस बस्ती में लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। यह रास्ता शहर के कुंदा नगर को भी जोड़ता है, जो बेहद खस्ता हाल होकर कीचड़ भरा है। पहले भी कई बार मांग की गई, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिससे आने जाने में बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डाबरिया के रहवासियों ने बताया, न तो रोड है, न ही पीने का पानी मिलता है और न ही हमें पट्टे दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए ताकि हमें लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। यहाँ रोड नहीं है, डाबरिया में शौचालय नहीं है, उसके बाद कुटीर नहीं मिल रही है, पट्टे नहीं है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पानी गर्मी में जब नहीं रहता है तो यहाँ से समझ लो बावड़ी बस स्टैंड है, इतनी दूर दूर से लाते हैं पानी। समस्या नहीं होती, क्या करो? नहीं होती समस्या हल, तो आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे हम। क्या नाम है आपका? लीला भाई जादो, डाबरिया। शब्द बोलना चाहते हो कि हमारा गांव में विकास नहीं है तो कोई वोट नहीं देंगे हम, बस एक ही शब्द। बहुत समस्या है, रोड की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, हर चीज का लाभ नहीं मिल रहा है हमें, पट्टे की भी नहीं लाभ मिल रहा है, यही समस्या हमारे। बहुत सालों से परेशान हो रहे हम। पहले मांग की थी आप? 40 साल हो गए हम। अरे हम ग्राम डाबरिया से आए हैं, पूरी जनता, हमारे डाबरिया में ये समस्या भी अब 40 साल से वहाँ पर रोड नहीं है, मतलब पूरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है डाबरिया को। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा हमको शासकीय लाभ नहीं मिल रहे हैं, ना ही रोड है, ना ही पट्टे मिल रहे हैं, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही हमको कुटीरों का सही ढंग से लाभ मिल रहा है। और दूसरी चीज, हम जब यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में चौथी बार आ चुके हैं, हम रिक्वेस्ट करते करते परेशान हो गए हैं, इसलिए हमारे गांव वाले सभी एक निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस बार जैसे कि कोई भी नेता आता है, कोई भी चुनाव के समय में हमको मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलकर जाते हैं, पर कोई भी घोषणा करके जाता है पर वो पूरी नहीं होती, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं इस बार। और पूर्ण रूप से हम इस हमारी जो हड़तालें हैं और ये हमारे, हम भोपाल तक भी दौड़ेंगे और रहेगा तो पूरे घर परिवार के सहित यहाँ पर आकर हड़ताल रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और यहीं पर सब हम रहेंगे। क्या नाम है आप? राजवीर चावला, डाबरिया। हम डाबरिया से आए हैं, हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो रोड है, 40 साल हो गए करीब मांगते मांगते कि रोड बना दो, रोड बना दो, लेकिन कोई भी नेता लोग आते रोड की सुनवाई नहीं होती और आज तक रोड हमारा बना नहीं। क्या समस्या आती है वहाँ? कीचड़ बहुत हो जाता है बारिश के टाइम पे, ऐसे भी बिना बारिश में भी बहुत दिक्कतें हैं वहाँ चलने के लिए, और बच्चे स्कूल आते हैं तो कीचड़ में पाँव रखते हैं, ये पाँव रखने की जगह नहीं, इतने पानी भरा जाता पूरा कीचड़ ही कीचड़। और न हमारे रोड बन रहा है, न हमारे यहाँ पानी की कोई सुनवाई हो रही है, पानी की समस्या बहुत है हमारे यहाँ रोड की और पानी की। वहाँ करीब 400-500 घरों की, मकानों की आबादी है वहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा गेम सिंह जाधव। और हमारे यहाँ न कोई पट्टा के कोई आवेदन हो रहा है, कोई पट्टे की सुनवाई हो रही है, हमने एक दो बार पहले कलेक्टर कार्यालय में और आवेदन दिए थे, ये तीसरी चौथी बार हम आए हैं, और न कोई विधायक नेता जो भी आते चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं वोट मांगने, और बीच में है तो कोई पूछता नहीं 5 साल तक। क्या नाम है आप? गेम सिंह जाधव। नहीं होती तो क्या? अगर हमारी समस्या हल नहीं होती तो आने वाले चुनाव में हम अपने वोट देने के लिए बहिष्कार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।